बॉर्डर पर भेजा चीन की मौत का सामान। मोदी ने उस अचूक फोर्स को किया सीमा पर रवाना, जो चीन के हजारों सैनिकों को चींटियों जैसे मसल देगी। एसएफएफ की तरह ही भारतीय सेना की सबसे खूंखार सेना। दोस्तों, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में तवांग सीमा पर जोरदार झड़प के बाद अब चीनी ड्रैगन के इरादे और खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। चीन ने तवांग में झड़प वाले स्थल से मात्र 74 किलोमीटर की दूरी पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की नई तैनाती की है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चीनी सेना की इस खतरनाक चाल का खुलासा हुआ है। इन तस्वीरों में यह भी खुलासा हुआ है कि चीन ने अपने इस इलाके में विशाल सैन्य शिविर बना लिया है। ये सैन्य शिविर चीन के हाल ही में बनाए गए लहुंजे एयरपोर्ट के पास में स्थित हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि चीनी सेना ने दिसंबर महीने में इस सैन्य शिविर को बनाया है। इससे पहले ये खेती करने का इलाका था। इससे पहले चीन और भारत की सेना के बीच 9 दिसंबर को जोरदार झड़प हुई थी। चीन के 300 के करीब सैनिकों ने तवांग के यांगसे में भारतीय सैन्य चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इस झड़प में चीन और भारत दोनों ही देशों के कई सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए थे। भारतीय जवानों के जोरदार पलटवार की वजह से चीनी सैनिकों को भागना पड़ा था। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में चीन फिर ऐसा दुस्साहस कर सकता है और भारत को इसके लिए अलर्ट रहना होगा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जिस तरह का तनाव चल रहा है उसे देखते हुए भारत एक से बढ़कर एक हथियारों को सीमा पर तैनात करता जा रहा है। इसी कड़ी में भारत कई स्पेशल फोर्स को चीन के सामने तैनात कर चुका है। दोस्तों, इन्हीं में से एक है भारत की 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर, जिसे भारत ने चीन के सामने तैनात कर दिया है। ये भारत की वो फोर्स है जिससे चीन काफी डरता है। इसलिए जानते हैं कि भारत ने इस फोर्स को कहां पर तैनात किया है और किस तरह से भारत चीन के सामने अब मजबूत स्थिति में है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की ताकत देख थर्रा उठेगा चीन। तवांग का बदला लेने के लिए तैयार है भारत। दोस्तों, भारत के सैनिक अब पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर ऊंची चोटियों पर बैठे हैं, जबकि चीन की सेना निचले इलाकों में है। लेकिन ये चीन की मुश्किलों की शुरुआत भर है, क्योंकि अब भारतीय सेना की पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर लद्दाख में मोर्चे पर पहुंच गई है। इस कोर का गठन पहाड़ी इलाकों में चीन से लड़ाई के लिए ही किया गया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को ब्रह्मास्त्र कोर का नाम दिया गया है और अब चीन के खिलाफ ये ब्रह्मास्त्र हमले के लिए तैयार है। इसमें अत्याधुनिक अल्ट्रा लाइट वेट M777 होविट्ज़र तोपे हैं, जिन्हें शिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ों पर तैनात किया जा सकता है। माउंटेन स्ट्राइक कोर के पास दुश्मन से लड़ने का हर घातक हथियार मौजूद है। इस कोर को इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स यानी कि IBG में बांटा गया है और हर ग्रुप में 6 बटालियन तक हो सकती है, जिसमें तोपखाना, टैंक, मिसाइल यूनिट्स और सिग्नल जैसे सारे हथियार और सैन्य साजो सामान होते हैं। और यही इस स्ट्राइक कोर की सबसे बड़ी खासियत है। स्ट्राइक कोर का मतलब दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना, ताकि बातचीत के समय अपना पलड़ा भारी रहे। इसके लिए फायर पावर होती है। माउंटेन स्ट्राइक कोर के पास टैंक, हेली, तोपखाना भी है। इन हथियारों ने ब्रह्मास्त्र कोर को तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसने की रफ्तार दी है। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के आसपास की जमीन ज्यादातर समतल और चौड़ी है। इस इलाके में भारतीय सेना की हवाई पट्टी समेत कई जरूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और ये इलाका इतना समतल और चौड़ा है कि यहाँ बड़े टैंक और तोपों को आसानी से तैनात किया जा सकता है। ऐसी जगहों पर ब्रह्मास्त्र कोर लड़ाई जीतने की ताकत रखती है। दोस्तों, दरअसल 3 स्ट्राइक कोर है, तीनों पाकिस्तान के लिए तैयार किया गया है। दशक की शुरुआत में पहली बार चीन के खिलाफ सोचा गया और माउंटेन स्ट्राइक कोर के आधे हिस्से को सिक्किम और लद्दाख के लिए तैयार किया गया है। 3 साल पहले ब्रह्मास्त्र कोर ने लद्दाख में बेहद खामोशी से एक बड़ा युद्धाभ्यास किया था और खुद को इस इलाके में लड़ने के लिए तैयार किया। यानी ये कोर अपने दुश्मन और युद्ध भूमि दोनों को अच्छे से पहचानती है। 1962 की गलतियां नहीं दोहराना चाहता है भारत। चीन को नए तरीके से ठोकने की प्लानिंग में भारत। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत 1962 में की गई गलतियों को नहीं दोहराना चाहता, इसलिए भारत ने चीन की चाल को भांपते हुए पहले ही उन इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है जिन पर चीन की नजर थी। इस समय LAC पर तनाव बहुत बढ़ चुका है और चीन यहां पर स्थिति बदलने के लिए कोई भी एक्शन ले सकता है। लेकिन यहां भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र अब चीन का इंतजार कर रहा है।
सितंबर से ही लद्दाख का मौसम तेजी से बदल जाता है, ठंडी हवाओं की रफ्तार तेज हो जाती है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं, सैनिक कार्रवाई मुश्किल हो जाती है। स्पेशल फोर्स और 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर पर होगी। चीन की सेना की कमजोरियों के बारे में पूरी दुनिया को पता है। गलवान घाटी और पैंगोंग लेक इलाके में भारतीय जवानों की वीरता देखकर अब चीन को इसका एहसास भी होगा। असल में चीन को तो पहले से ही इस बात का अंदाजा है कि खास तौर पर पहाड़ों पर होने वाली लड़ाई में चीन भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। चीन के सैन्य विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि भारत ने हाल के वर्षों में अमेरिका से जो हथियार खरीदे उससे भारत की ताकत और बढ़ गई है। चीनी सैनिकों को टक्कर देगा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए भारत मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहा है। चीन को घेरने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। चीन ने अपने पूरे सैन्य इलाके को 5 थिएटर कमांड में बदल दिया है। भारतीय सेना से लगने वाले कमांड का नाम वेस्टर्न थिएटर कमांड है। इस कमांड में चीन की थल सेना और वायु सेना एक साथ तैनात है और भारत अब इस तैनाती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बना रहा है। हालांकि अभी सरकार की आधिकारिक मंजूरी मिलना बाकी है। ऊंचे पहाड़ों में लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ने के लिए भारतीय सेना ने माउंटेन कोर पहले ही बना दिया है और इन माउंटेन कोर में अब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनेंगे, जिससे आने वाले दिनों में अब तक सेना के फॉर्मेशन का अहम हिस्सा रहे डिवीजन अब खत्म हो जाएंगे। शुरुआत सेना के मिडिल सेक्टर स्थित 9वीं और ईस्टर्न सेक्टर में पानागढ़ में स्थित 17वीं माउंटेन कोर से होगी। इस 17वीं कोर का नाम ब्रह्मास्त्र कोर है। उसके बाद अलग अलग माउंटेन स्ट्राइक कोर में इसी तरह की आईबीजी तैयार होंगे। आईबीजी का मकसद यह है कि भारतीय सेना के वो ताकत यानी कि इन्फेंट्री, आर्म्ड आर्टिलरी और एविएशन विंग को एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ बेहतर तालमेल के एक छत के नीचे लाना। दरअसल ये बैटल ग्रुप अमेरिकी सेना की तर्ज पर ही काम करेंगे, यानी कि एक 2-स्टार जनरल की कमान में सभी यूनिट एक साथ काम करेंगी। एक माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत कम से कम 3 आईबीजी होंगी और हर एक ग्रुप में इन्फेंट्री सैनिकों के साथ साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, टैंक, आर्टिलरी तोपों के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। ये बैटल ग्रुप चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात होगा, जो कि किसी भी मौसम में दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। अभी तक इन्फेंट्री, आर्टिलरी, टैंक, रेजिमेंट अलग अलग यूनिट्स की तरह काम करते हैं, लेकिन इस बैटल ग्रुप में ये सब एक साथ होंगे।